मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। आपको बता दें कि अगले जुमे यानी 28 जुलाई को इस मामले पर समाप्त भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर मेहमानियत का वीडियो परेशान करने वाला है, अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि वो एक्शन ले, सरकार जो कदम उठाए हमें फौरन बताए, रियासती सरकार कार्रवाई की जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट की मामला पहुंचा है। आपको बता दें कि लगभग 4 मई का वो वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसे देखकर सभी के दिल में कई तरह के सवाल हैं, गुस्से से भरे हुए लोग नजर आ रहे हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह समाप्त की। मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया। अगले जुमे यानी 28 जुलाई को इस मामले पर फिर समाप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर मेहमानियत का वीडियो परेशान करने वाला है, बेहद अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक्शन ले, सरकार को यह हिदायत दी गई है कि फौरी तौर पर कोई कदम उठाया जाए, मणिपुर के हालात को अब काबू किया जाए। सरकार जो भी कदम उठाएगी वो सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। साफ तौर पर CJI की ओर से कहा गया, रियासती सरकार कार्रवाई की जानकारी दे। कई तरह के सवाल मणिपुर की सरकार पर भी उठ रहे हैं, बीरेन्द्र सिंह पर भी उठ रहे हैं कि आखिर अब तक चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं एन बीरेन्द्र सिंह। और इसी वजह से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी इसे सख्ती से लिया है, सरकार से जवाब मांगा है एक हफ्ते के अंदर कि आखिर क्या कदम मणिपुर के हालात को बेहतर करने के लिए उठाए जा रहे हैं। रियासती सरकार को भी अब जवाब इस पर दाखिल करना होगा। मणिपुर का जो वीडियो सामने आया, हैवानियत साफ तौर पर उस वीडियो में देखी जा सकती है, जिसके बाद से लोग अब गमजदा हैं, लोग गुस्से में हैं और अब जवाब चाहते हैं।